हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे एक पुराने ट्राउजर को ब्यूटीफुल से हैंडबैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस रिसाइकलिंग सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे आप पुरानी जींस की मदद से बहुत ही स्टाइलिश स्लीपर या फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पुरानी जींस, फेविकोल बॉटल्स, सीजर, मेजरिंग टेप और पुराने स्लीपर्स ले लेंगे। जींस का कपड़ा कट कर लेंगे और कपड़े को स्लीपर्स के नाप के अकॉर्डिंग मार्क करके कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पैर भी कट कर लेंगे। कपड़े को स्लीपर की साइज में कट कर लिया है। अब हम साइड के पीसेस भी कट कर लेंगे। स्लीपर की स्ट्रिप कट कर लेंगे। इस तरीके से ये कट हो चुकी है। यहाँ पर स्ट्रिप के होल की जगह पर छोटे छोटे कपड़े डालकर इनको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर फेविकोल लगा लेते हैं। दोनों पैड्स पर इस तरीके से ये कपड़े चिपका देंगे, फ्रंट में भी और साइड में भी। हमने दोनों पैर तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम 1 आवर के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसके चारों ओर सुई की सहायता से सिलाई कर देंगे। धागे का कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेप लगा लेंगे। तो पहले बना लेते हैं। इसके लिए मैं एक फोल्डेड कपड़ा कट कर लूँगी। मैं इसकी साइज़ 10 इंच ले रही हूँ। आप अपने पैर के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ ले सकते हैं। इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई कर देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक थिक पेपर डाल रही हूँ। आप चाहे तो और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये इस तरीके से राउंड शेप में उठा हुआ रहेगा। अब इसको भी हम चिपका लेंगे। अब इसको चिपकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ऊपर से इसे डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स बना लेते हैं। एक पेपर को इस शेप में कट करेंगे और इसकी हेल्प से कपड़ा कट कर लेंगे। कपड़े को इस शेप में कट कर लिया है। अब सुई से इसको स्टिच कर लेंगे। साइड से भी स्टिच कर लेंगे। ऐसे ओपन करेंगे तो इसका शेप फ्लावर की तरह बन जाएगा। ये देखिए, मैं इस फ्लावर में एक गोल्डन कलर का मोती ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से बाकी के भी तैयार कर लेंगे। मैं एक पैर में 4 फ्लावर लगाऊंगी। यहाँ स्लीपर अच्छे से चिपक गई है चारों तरफ से। मैंने यहाँ नेल पिन लगा दी है सेफ्टी के लिए। अब हम फ्लावर चिपका लेंगे। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे मोती लगा लेंगे ताकि इनका लुक अच्छा हो जाए। ये देखिए, मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं और मोती भी चिपका लिए हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा जोड़ा भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स,
इस तरीके से पुरानी जीन्स की हेल्प से बहुत ही स्टाइलिश और बिल्कुल क्लासी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप कपड़े की सहायता से अलग अलग तरीके के फ्लावर्स भी बना के डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप फ्लावर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं अलग अलग तरह के फ्लावर्स पर भी वीडियो बना दूंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बी क्रिएटिव। थैंक यू।